शो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक बार फिर से महानायक अमिताभ बच्चन झूमते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 में अब नए करोड़पति का ऐलान हो गया है। जी हाँ, 15 और 16 अक्टूबर को नए करोड़पति केबीसी के सेट पर चुने जाएंगे, जिसके बाद खुशी से झूमते हुए कंटेस्टेंट के साथ बिग बी नजर आएंगे। नए करोड़पति को लेकर जो खबर आई है, चलिए आपको बताते हैं। मधुबनी शहर के गौतम कुमार झा कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। 7 करोड़ वाले 16वें प्रश्न का जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया है। ये जो टेलीकास्टिंग है 15 और 16 अक्टूबर के एपिसोड में होगी। बता दें आपको, मधुबनी व्यवहार न्यायालय में वरीय अधिवक्ता अरविंद कुमार झा के बेटे व जेएन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर के दामाद गौतम पश्चिम बंगाल के आंध्रा जिले में भारतीय रेलवे में काम करते हैं। गौतम ने मैट्रिक की परीक्षा अमरनाथ उच्च विद्यालय शंकरपुर रही का प्रखंड से पास की। इसके बाद उन्होंने आईएससी की है, देहरादून से बीटेक किया है। 2011 में उन्होंने एमटेक की परीक्षा क्लियर की, रेलवे में वो जॉब करने लगे। 14 अक्टूबर को हालांकि वो कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 15 अक्टूबर को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उनका सिलेक्शन हुआ और अब तक जो खबर मिली है उसके आधार पर वो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। बता दें आपको, 1 करोड़ रुपए एक बड़ी राशि है। नए करोड़पति मिलेंगे जहां सेट पर महानायक अमिताभ बच्चन खुशी से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आप सभी को एक बार फिर से केबीसी के मंच पर नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।